नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन में सर्पदंश से पति पत्नी की मौत। रायसेन के हाउसिंग बोर्ड निवासी नीरज और उनकी पत्नी लाली को देर रात सांप ने काटा। इलाज के दौरान चला अस्पताल में मौत। रायसेन के हाउसिंग बोर्ड निवासी नीरज अहिरवार और उनकी पत्नी लाली अहिरवार को घर में सोते समय सांप ने डस लिया। दोनों पति पत्नी ने सांप को मौके पर ही मार दिया और इस दौरान उनकी तबीयत खराब होने लगी, तो चीख पुकार की आवाज सुनकर पड़ोसी और उनके रिश्तेदारों ने दोनों पति पत्नी को नीरज और लाली को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों पति पत्नी को मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजन वीरेंद्र ने बताया कि मैं घर में सो रहा था, मेरे भाई ने बताया कि मेरे बच्चों को सांप ने काट लिया है, हम इलाज के लिए जिला अस्पताल लाए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया है। रायसेन से अली हसीन की रिपोर्ट। मैं घर पे सो रहा था, मेरा भाई आया मतलब जगाने के लिए कि मतलब मेरे बच्चों को सांप ने काट लिया, तो मतलब फिर इसी मतलब हम फिर हॉस्पिटल लेके आए और सुबह टाइम पता चल रहा है कि डॉक्टर लोगों ने घोषित कर दिया कि ख़त्म हो गया। सांप के काटे से मतलब? हाँ, सांप के काटे। आपको कैसे पता चला? मतलब यहाँ पर हाथ पे निशान था और भाई के पास यहाँ पर काटा था उसने। हाँ, सांप को मार दिया था भाई के भाई, भाभी भी रखा है बाहर घर पर। वीरेंद्र नाम है। आप कौन है मेरे तक के? मैं उसका भाई लगता हूँ, रिश्ते मामा का, वो फूफा का लड़का हूँ उसका। सर देखिए, रायसेन के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में निवास करने वाले पति पत्नी नीरज और लाली को पुलिस द्वारा अस्पताल सहोगरा में लाया गया था, जिनका कि हमने पोस्टमार्टम किया है। परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि मरीजों को रात को सर्प ने काटा है तथा उसका हमने पोस्टमार्टम करके अभी रिपोर्ट आना उसकी पेंडिंग है।